नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। अमेठी में तहसील गौरीगंज में कलेक्ट्रेट सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी अरुण कुमार ने वहां आए फरियादियों की समस्याओं को सुना, साथ ही उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। आपको बता दें कि जिले के चारों तहसीलों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। बहराइच में थाना रुपैडिया क्षेत्र में जुझारू शिक्षा नेता ओम प्रकाश शर्मा, शिक्षक दल शर्मा गुट के संस्थापक का निधन हो गया है, जिससे पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं उनके निधन पर श्री राम जानकी इंटर कॉलेज में शिक्षकों ने सभी बच्चों के साथ दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, साथ ही एक शोक सभा का आयोजन भी किया। बलरामपुर में अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्र ने परिवहन विभाग के कार्यालय में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद सभी को सड़क सुरक्षा के तहत शपथ दिलाई, साथ ही जागरूकता रैली के जरिए लोगों को जागरूक करने की बात भी कही। बलरामपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह के ग्राम सुदर्शन ज्योत तुलसीपुर में मौजूद उनके आवास पर खिचड़ी सहभोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में सपरिवार 51,000 रुपए की धनराशि भी दान की। इस मौके पर वहां पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश सिंह, जिला महामंत्री विष्णु देव गुप्ता और रवि कुमार मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। बलरामपुर में संयुक्त विकास मंच के अध्यक्ष और समाज सेवी मोहम्मद इरफान खान पठान के नेतृत्व में सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस और सरकारी अस्पतालों में अवैध धन उगाही के संबंध में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस मामले से संबंधित प्रूफ उनके पास है। संत कबीर नगर के धनगढ़ा थाना क्षेत्र के घोरांग गांव में मकर संक्रांति के अवसर पर बीजेपी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ समाज सेवी जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि संजय बहादुर सिंह राठौर ने सहभोज खिचड़ी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक और स्वतंत्र प्रभार मंत्री राम चौहान समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। संत कबीर नगर के हैसर ब्लॉक प्रमुख प्रिंस अगम सिंह के नेतृत्व में ऐतिहासिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां मुख्य अतिथि मंत्री श्री राम चौहान ने सभी ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अलावा ब्लॉक कर्मियों और पत्रकारों को सम्मानित भी किया। गोंडा में पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार न जाने कब तक गरीबों को फ्री वैक्सीन लगाएगी। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने टांडव वेब सीरीज को लेकर खूब बयानबाजी भी की। बाराबंकी में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस पहले से भी ज्यादा सख्त रुख अपना रही है। आपको बता दें कि जिले में कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि छुटभैये, बदमाशों और अपराधियों पर पुलिस नजर गड़ाए हुए है। बाराबंकी में चंडी धाम मंदिर के महंत शिवानंद जी महाराज का एक हैरतअंगेज कारनामा लोगों के सामने आया है। दरअसल उन्होंने एक कार में रस्सी बांधकर उसे अपने लिंग के सहारे दौड़ाकर लोगों को भौचक्का कर दिया। वहीं इस दौरान महाराज जी का यह कारनामा देखने के लिए वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रामपुर में बसपा उम्मीदवार रह चुकी शैला खान ने जौहर यूनिवर्सिटी की 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन एडीएम कोर्ट में प्रदेश सरकार के नाम निहित करने के बाद यूनिवर्सिटी को सरकार की तरफ से चलाने की मांग की है। इसके लिए शैला खान ने डीएम आंजनेय कुमार से मुलाकात कर उन्हें एक पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार इस यूनिवर्सिटी को तोड़ने के बजाय इसे सरकारी यूनिवर्सिटी की तरह चला सकती है। रामपुर में वीर खालसा सेवा समिति ने 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर सिविल लाइन में मौजूद सूर्या बैंकेट हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर वहां रेडिको खेतान के डायरेक्टर केपी सिंह बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बीच कार्यक्रम को रोमांचक बनाने के लिए स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम भी पेश किए। रामपुर में पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के लिए जागरूकता अभियान का शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान उनके निर्देशन पर पुलिस ने जिले के अंबेडकर पार्क से गांधी समाधि तक पैदल यात्रा निकाली, साथ ही लोगों को यातायात के बारे में जागरूक भी किया। रामपुर में पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम के निर्देशन पर एंटी रोमियो स्क्वाड प्रभारी कंचन टोलिया ने जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने पूरी टीम के साथ जिले के गांधी समाधि, मिश्टनगंज, शाहबाद गेट और ज्वाला नगर समेत नगर क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग कर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक भी किया। रामपुर में पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम के आदेश अनुसार सुरक्षा और शांति व्यवस्था को देखते हुए जिले के सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले मुख्य चौराहों, तिराहों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की, साथ ही कुछ का चालान भी काटा।
मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कोरोना वैक्सीन पर एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लगवाने में बहुत ज्यादा क्रेजी होना नहीं चाहिए। कोरोना वैक्सीन की जो नई वैक्सीन है, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है और जब भी ये वैक्सीन लगे तो इसके पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए। संबल तहसील में तैनात एसडीएम दीपेंद्र यादव की प्रेरणा से प्रेरित होकर संबल के स्थानीय लोगों ने एक बड़ी मिसाल कायम की है। आपको बता दें कि संबल में युवाओं के लिए मैदान को खेल स्टेडियम बनाने की प्रेरणा से प्रेरित होकर स्थानीय लोगों ने जन सहयोग से खाली पड़े करीब 2 एकड़ जमीन को स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। झांसी के ग्राम धायपुरा में श्री हनुमंत लाल मंदिर प्रांगण में मकर संक्रांति पर्व पर आयोजित किसान मेले में खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान मेले में कबड्डी टूर्नामेंट के साथ साथ कई अन्य खेलों का भी आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश आर्य और जिलाध्यक्ष महेश कश्यप समेत कई लोग मौजूद रहे। बांदा के अशोक लाट में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसान बिल को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान सभी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिल को वापस लेने की मांग भी की।